Assalamu alaikum, I am Mukhtar Ahmed with the Virtual University Course of Human Resource Management, that is Management MGT 501. And we are here today for our lecture number 19. So, we started last time the selection process and we are continuing with that. And I hope you are getting the basic concept and you are able to go through the your text too to make sure that you are learning something effort so nahi karenge should we start our lecture today so today we are here as i said with our lecture number 19 so as usual we have to go back and try to review what we covered in the, our lecture number 18 our previous lecture so let's start let's summarize quickly our previous lecture that was our lecture number 18 we started with the selection process and in selection first first of all we try to understand what selection is And since that selection is after the step of recruitment, so we define that it is picking from the pool of the candidates, picking the right person. And during that discussion, we also discussed this part that it involves making the judgment, and judgment not about the applicant, we are looking about the person. We are looking about the fit, matching the ability, the knowledge, the skills, the aptitude of a person with the job for which we have to hire a person. So, that was the important part. Of course, everything is important, but the main theme of that selection is that we have to make the judgment about the fit, about the match, not about the personalities. Prepare? हमने सेलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स को भी डिस्कस किया शुरू कर किया था ऑफ कोर्स हमने देखा छः सात स्टेप्स हैं और फिर इंडिविजुअली एक-एक को देखना शुरू किया और एज दैट टाइम कि वो स्टेप्स जो हैं नॉट नेसेसरी दैट ईच आल शुड फॉलो द सेम स्टेप्स इवन आप डिफरेंट टेक्सट बुक्स लें आपकी जो एच की किताबें हैं उसमें भी मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ इवन टॉपिक के साथ उस स्टेप को डिस्कस किया गया बट इफ़ यू लुक एट दैम इन डिटेल एंड यू वंडरस्टैंड अप्रिशिएट दैट दे आर टैकिंग द सेम थिंग वर्डिंग चेंज हो सकती है बट द फिलासफी इज द सेम द कॉन्सेप्ट इज द सेम जैसे ये स्लाइड शायद आपको मैंने नहीं दिखाई वैसे ग्राफिकली मैंने बनाई वही चीज़ें जो आप उनको सेवन स्टेप में भी नाइन स्टेप में भी डिवाइड कर सकते हैं द फर्स्ट स्टेप वॉज इंटरेस्ट इन द जॉब सेंडिंग द रिज्यूमेर दैट इज ऑफकोर्स द रिक्रूटमेंट दिस इज बेसिकली होल हायरिंग प्रोसेस फिर अपने इनिशियल स्क्रीनिंग यस सेलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट विदिशियल स्क्रीनिंग वो हमने डिस्कस किया दैन द थर्ड स्टेज वॉज द सेकंड स्टेज ऑफ ऑफकोर्स इन सिलेक्शन प्रोसेस एंड हेयर दर्ड स्टेज द एप्लीकेशन ब्लैंक या उसको एप्लीकेशन फार्म भी कहते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देन सिलेक्शन टेस्ट नेक्स्ट स्टेप ऑफकोर्स जिसको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टर दैट

कि आपने बेस्ट पर्सन को पिक करना है उसको समझना है कि वो मैच क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके लिए फिर देन ऑर्गेनाइजेशन पीपल दे यूज डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट स्टेप्स बट वी शुड ऑलवेज फोकस व्हाट इज द बॉटम लाइन एंड द बॉटम लाइन इज यू वॉन्ट टू क्रिएट मैच ऑफ

And they were initial screening? you want to separate those who qualify from those who don't. Why you want to do that? Do that? Because you don't want to waste your time and resources on irrelevant people, which even don't qualify for that particular job, which even don't meet the basic requirement for that particular job. आप उस वक्त भी यही बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं कंपनीज जो हैं दे पोट ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर रिसोर्स टाइम मनी इन इज देयर इन द सेलेक्शन प्रोसेस सो दे वांट टू मेक श्योर के राइट टाइप ऑफ पीपल शुड कम इन डिफरेंट स्टेप्स सो दैट दे शुड बी एबल टू पिक द राइट पर्सन उसके बाद हमने एप्लीकेशन ब्लैंक या इसको एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं इसको भी डिस्कस किया और इसका मकसद क्या था दिस इज ए लीगल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट द फर्स्ट आर इट इज एनिशियल एग्रीमेंट बिटवीन द एप्लीकेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट फ्रॉम दोज एप्लीकेंट एंड अगेन रीजन इज ऑफकोर्स देर आर लीगल रीजन एंड ऑफकोर्स The convenience to uh, legal issues the? by signing that application form or agreement, the, comp the applicant is certifying that whatever information he or she has provided to you are correct in his best of his knowledge, and of course, also authorizing you to go for the verification. चेकिंग द बैकग्राउंड द प्रीवियस हिस्ट्री आर इवन आस्किंग फॉर द रेफरेंस वो जो उसने अपने रेफरेंस वहां दिए हुए उनसे आप उसके बारे में पूछ सकते हैं एंड ऑल्सो ही आर शी इज विलिंग टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द इन काइंड ऑफ सर्कमस्टांसिस रूल रेगुलेशन एंड ही आर शी विल फॉलो दोज थिंग्स तो ये सारी चीजें भी और उसके अलावा आपके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाने में वो हेल्पफुल होगा कि आप उस बेस पे शार्टलिस्टिंग कर सकते हैं स्क्रीन कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं चेक कर सकते हैं व्हाट इज मिसिंग व्हाट इज देयर एंड व्हाट एक्स्ट्रा ही और शी हैज जॉब एंड मोस्टली इट इज जॉब रिलेटेड सो दीज वार द टॉपिक्स वी कवर ड्यूर अवर लेक्चर नंबर एटीन आर प्रीवियस लेक्चर सो वी आर स्टिल इन द सिलेक्शन प्रोसेस सो लेट सी वॉट आर द नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज द इंप्लायमेंट टेस्ट और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगेन इट डिपेंड वट जॉब आर वी टॉकिंग अबाउट इफ इट इज ए सीनियर लेवल पोजिशन यू माइट स्किप दैट पार्ट यू डोट हु इज ऑलरेडी एट दैट लेवल ऑफ कैलिबर आपके वो एक्सपीरियंस है कोई एक प्रोफेसर लेवल की जॉब ऑफर कर रहे हैं आप उसको बेसिक टेस्ट तो नहीं लेंगे आप लेकिन अफकोर्स इट इज लेवल आपकी जो लाइन मैनेजर लेवल है इवन मिडिल मैनेजमेंट तक समाइम यू गो फॉर डिफरेंट टेस्ट देखा गया है कि लोग जनरली तीन चार जो इंपॉर्टेंट टेस्ट टाइप्स हैं वो लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट दिया जाता है हॉनेस्टी टेस्ट लिए जाता है इंटरेस्ट टेस्ट दिया जाता है एंड इफ यू लुक एट द इंटरनेशनल ले रहेउंडिक्सटी परसेंट और मोर देन 60 परसेंट कंपनीज दे यूज वन अर अदर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट फर दियर सेलेक्शन प्रोसेस हमारे यहाँ भी देखा गया है कुछ अदारे हैं वो टेस्ट लेवल पे जाते हैं वरना तो इंटरव्यू से काम चल जाता है इवन वेन यू माइट हैव अप्लाइड फॉर द एडमिशन यू शुड हैव गॉन थ्रू एंट्री टेस्ट अब तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी एडमिशन के वक्त टेस्ट लिए जाते हैं और फिर उसके बेस पे आपका मेरिट बनता है इसका यह मतलब नहीं है कि इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन डोंट बिलीव ऑन योर प्रीवियस क्रिटेंशल बट स्टिल दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि दे हैव द बेस्ट एंड द रीजन इज द सेम कुछ टेक्निकलिटीज़ जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद इंटरव्यू में ना समझ सके ना अंदाजा हो सके उसके लिए टेस्ट लेना जरूरी है दैट इज वाई पीपल गो फॉर द टेस्ट अब जो टेस्टिंग कॉन्सेप्ट टेस्टिंग टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं द तो बेसिक टेस्टिंग कॉन्सेप्ट में दो तीन चीजें आपकी टेक्स्ट के अंदर भी हैं किताबों में है वैलिडिटी है रिलायबिलिटीज है यह क्या चीज है थोड़ा सा आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि कहीं इसमें आप कंफ्यूज ही ना होते वट इज वैलिडिटी ओ वैलिड थिंग समथिंग इज वैलिड से क्या मतलब है आप उसमें टेस्ट वैलिडिटी एक यूज होता है दैट इज इज दिस टेस्ट इट सपोज टू आप किसी का इंग्लिश देखना चाहते हैं कि उसकी कितनी इंग्लिश अच्छी है क्या वो इंग्लिश में लिख सकता है बात समझ सकता है तो उसका टफल टेस्ट लेते हैं दैट इज अ वैलिड टेस्ट फॉर दैट जॉब आप किसी की इंग्लिश टेस्ट करने के लिए उसके ड्राइविंग टेस्ट तो नहीं ले सकते ना आप तो इट्स दट वट एवर टेस्ट यू आर कंडक्टिंग इट शुड हैव है वैलिडिटी उसको टेस्ट वैलिडिटी हम कहते हैं इसी के अंदर क्राइटेरियन वैलिडिटी भी एक टर्म यूज होती है आपकी टेक्स्ट के अंदर कहीं होगी लिखी जब हम सिलेक्शन टेस्ट की बात करते हैं इससे क्या मतलब है इसका मतलब है कि क्या जिस जॉब के लिए टेस्ट ले रहे हैं उससे इसका कुछ तल्लक है अगर कोई पर्सन इफ ए पर्सन इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट वो लेट ई आर शी विल बी एबल टू परफॉर्म इन द सेम वे फॉर हिस जॉब तो उसको क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं इसी में थोड़ा सा आगे और जाएं तो एक और टर्म यूज होती है कंटेंट वैलिडिटी विच इज ऑफकोर्स इज showing बाई शोइंग टेस्ट कंस्टीट्यूट ए फेयर सैंपल ऑफ द कंटेंट ऑफ द जॉब क्या वो जॉब के जो कंटेंट है वो उस टेस्ट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो उसको हम कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा था एक और चीज है जिसे रिलायबिलिटी कहते हैं एंड वॉट इज रिलायबिलिटी सिंपल वर्ड में रिलायबिलिटी ये है कि अगर किसी ने एक टेस्ट दिया और उसी तरह का टेस्ट या उसी से मिलता जुलता टेस्ट दोबारा दे तो एटलीस्ट ही शी शुड बी स्कोरिंग द सेम टाइप ऑफ मार्क्स तो फिर तो वो एक रिलायबल टेस्टिंग टेक्निक्स हो गई तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट वी शुड रिमेंबर वाइल गोइंग फॉर द टेस्टिंग टेक्निक्स और किसी भी टेस्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए कि वो अच्छा टेस्ट है ठीक टेस्ट है तो उसकी तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी टेस्ट को यह कहने के लिए कि अच्छा टेस्ट है इट शुड बी स्टैंडर्डाइज इट शुड है रिलायबिलिटी एंड इट शुड बी वैलिड टेस्ट सो वी कैन से दैट टेस्ट इज ए गुड टेस्ट एंड दैट कैन हेल्प यू एंड दैट इज सर्विंग दिस पर्पज फॉर विच यू आर डूइंग द टेस्ट क्लियर ओके लेट्स वट काइंड ऑफ टेस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वैन वी आर डूइंग द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि कुछ तो जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं जिसको आईक्यू भी कहते थे कभी एप्टीट्यूड टेस्ट पर्सनैलिटीज एंड इंटरेस्ट टेस्ट एनोन टेस्ट एंड हु विल देम? दैम ऑफकोर्स द प्रॉपर पर्सन द प्रॉपर कॉम्पिटेंट पर्सन द एच आर जिनका ये अपना सब्जेक्ट एरिया होता है साइकोलॉजिस्ट होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो लोग सारे बैठ के इन टेस्ट को डिजाइन करते हैं डिजाइनिंग ऑफ टेस्ट इल्फ इज ए ह्यूज टास्क बिकॉज दे हैव टू कीप इन इंग माइंड कि वेदर दिस टेस्ट इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट इज इज ए रिलायबल सो वेलिड टेस्ट और वॉट आई डोंट वांट टू गो इन दैट काइंड ऑफ दोज डिटेल्स बट जस्ट रिमेंबर दैट एक्स्ट्रा समर टेस्ट लाइक परफॉर्मेंस सिमुलेशन आपको एक रियल सिचुएशन में बैठा दिया जाता है कि आप काम करके दिखाएं और फिर जो आपने काम करते हैं उसमें से सैंपल लेके देखा जाता है कि हाउ एक्यूरेट और हाउ करेक्ट यू आर जाब आपसे रियल उसमें या तो एक सिमुलेशन में एक हाइपोथेटिक uh, एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि वो आप बताएं कि कैसे करेंगे या इवन यू है टेक यू तो रियल प्लेस एक आपने सेक्ट्री रखना है तो उसको ले जाएं बिठाएं कंप्यूटर पर देखें कि हाउ उसकी स्पीड क्या है टाइपिंग की सो यू आर नॉट ओनली कंसर्न हेयर फॉर दी स्पीड यू विल ऑल्सो भी कंसर्न अबाउट द करेक्टनेस कि वो स्पीड में तो टाइप कर रहा है लेकिन क्या उसके स्पेलिंग्स या जो लफ्स लिख रहा है वो ठीक लिख रहा है भी कि नहीं खाली तो एक लाइन में वर्ड थोड़ी टाइप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट के अंदर रियल वर्क जो उसका है उसकी सैम्पल लेके आप देख सकते हैं कि हाउ ही आर शी कैन परफॉर्म उसके बाद कुछ असेसमेंट सेंटर भी होते हैं लाइक आपने देखा होगा जब हम फोर्सेस के लिए अप्लाई करते हैं आर्मी में आप अप्लाई करते हैं उनके अपने असेसमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको मुख्तलिफ टेस्ट में से गुजारा जाता है आई एस के लिए जाते हैं आप मुख्तलिफ़ किस्म के असेसमेंट सेंटर्स हैं एंड दे गो फॉर डिटेल टेस्टिंग देयर सो दैट दे वांट टू मेक श्योर दैट दे आर डूइंग एनी मिस्टेक्स देयर हाउ एक जो टेस्ट मैंने आपको ऑनेस्टी टेस्ट आपके जहन में क्वेश्चन होगा ये ऑनेस्टी कैसे चेक की जाती है हाउ कैन यू मेक श्योर कि दिस पर्सन इज ऑनेस्ट तो थोड़ा सा मैंने कहा चले आपसे कुछ आइडियाज शेयर करते हैं कि कुछ गाइडलाइंस आई मीन टेक्स्ट बुक में दी जाती है कि अगर किसी की ऑनेस्टी चेक करनी है तो आप किस तरह के क्वेश्चन पूछें आस्क ब्लंट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन डोंट हेजिटेट ऑफ आस्किंग टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड यू शुड गिव हिम आर हर चांस टू स्पीक रादर देन यू शुड टाक जितना ज्यादा बोलेगा या बोलेगी कोई उतना ही ज़्यादा चांसेस आपको मिलेंगे कि उसमें से आप देख सकेंगे कि राइट और रॉन्ग कैसे बोल रहे हैं सो इवन यू कैन आज द फॉर द क्रेडिट चेक उसकी हिस्ट्री देख लें उसके अकाउंट्स चेक कर लें एंड इफ़ ई आर शी इज़ इफ़ यर शी इज़ यूजिंग क्रेडिट कार्ड उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखने से आपको अंदाजा हो जाएगा उसका लेन देन लोगों के साथ कैसा है दैट विल बी ए गुड इंडिकेशन टू सी द ऑनेस्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन बहुत सारे इस तरह के वो टेक्निक्स हैं आप रेफरेंस चेक कर सकते हैं जिन लोगों के साथ उसने रहा हुआ है काम किया हुआ है पढ़ा हुआ है जिनके साथ यू कैन चेक गो बैक एंड चेक रेफरेंस एंड आस्ट दैम हाउ गुड ही आर शी इज़ इन द डीलिंग विद द पीपल स्पेशली टाकिंग अबाउट द फाइनेंशियल आस्पेक्ट एंड अदर आस्पेक्ट उसके अलावा टेस्ट ड्रग्स वगैरह का भी देख सकते हो अगर तो वो कहता जी मैंने कभी ऐसी बात नहीं की लेकिन अगर वो टेस्ट पे निकल आता है तो दैट इज मीन दैट मीन ही इज़ नॉट ऑनेस्ट इट ही इज टेलिंग यू लाइ तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं टेस्ट डिजाइन करने वाले करते हैं सिचुएशन दे देते हैं आपको ट सी दिस इज दिचुएशन है बट हाउ यू रिएक्ट तो उनसे भी वो आप असेस कर सकते हैं किसी की आनास्ट्री या वर्क एथिक्स तो ये तो जॉब के बारे में सिलेक्शन के बारे में टेस्टिंग थी और जैसे मैंने आपसे कहा इट वेरी फ्रॉम आर्गनाशन टू आर्गनेशन एंड द टाइप ऑफ जॉब वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स मूव फॉरवर्ड द फोर्थ स्टेप दैट इज द इंटरव्यूज इंटरव्यूज़ जब आप लोगों से सवाल जवाब करते हो क्यों करते हैं ये और कैसे होता है अमूमन इंटरव्यूज़ में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं समटाइम ऑफकोर्स वन टू वन इंटरव्यू भी हो सकता है बट एज यू मूव अप एंड अप इट इज़ मोर टू वर्ट वन टू वन इंटरव्यू अमूमन इसमें एच आर लोग इन्वाल्व होते हैं मैनेजर्स होते हैं और बाकी जो उनके कुलीग्स हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं एंड बेसिकली दे आर इंटरेस्टेड टू लुक इन दोज एरिया

व सम कंसर्न आर इश्यूज लाइक रेड फ्लैग हमने पढ़ा था याद होगा आपको वो भी आप क्वेश्चनिंग में देख सकते हैं एंड मोस्टली वी आर आस्किंग जॉब रिलेटेड क्वेश्चन इन इंटरव्यूज कितनी किस्मों के इंटरव्यूज होते हैं वो कैन डिवाइड सो मेनी डिफरेंट ग्रुप्स बट लेट्स टाइप ऑफ ग्रुप्स टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं स्ट्रक्चर्ड होते हैं इवन समाइम पीपल मिक्स बोज टेक्निक्सट्रक्चर कौन से होते हैं जो नॉन डायरेक्टिव होते हैं या जिसमें कोई पैटर्न नहीं रखा जाता है के के अमूमन देखा गया जब इंटरव्यू होता है तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो तो इंटरव्यू करने वाला उसी में से क्वेश्चन दूसरे पिक करके आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है दैट इजस्ट्रक्चर

You can have one-to-one -one interview. And especially for the senior position, people go for the one-to-one -one interviews. With the people at the same level and even people at the high level. Group interviews. That is also a technique being used. And sometimes you might have to appear before a board. और जैसे मैंने आपसे कहा था कि इट डिपेंड हाउ मेनी पीपल्स आर देयर द बोर्ड। जनरली ये देखा जाता है कि बोर्ड के अंदर एक्सटेंडर फॉर्मेट जो लोगों की अवेलेबल है मैनेजर्स हैं टॉप मैनेजमेंट है एचआर मैनेजर्स, इवन साइकोलॉजिस्ट देयर टाइम एंड टेक्निकल पीपल्स आर देयर Technical expert in this, the expert of the area where they have to hire a person, and even people from the same section or branch where that job is placed, so that they should also become the part of that selection process because ultimately they have to work with them. So, it is one to one group. बेस पे भी हो सकता है एंड एक प्रॉपर बोर्ड भी शक्ल में भी आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं उसके अलावा सम टाइम यू पुट पीपल अंडर स्ट्रेस स्ट्रेस इंटरव्यू अगर आपको चांस हुआ हो कि ISP के लिए जाने के लिए फोर्सेस में अप्लाई कर तो वहां हम अमूमन इस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि स्ट्रेस के अंदर आपसे टेस्ट किया जाता है

आजकल तो वीडियो वेब कैंप बैठ के तो कंप्यूटर पे सामने बैठ के एक सिटी से दूसरे सिटी में और एक शहर से दूसरे शहर में एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर भी लोग बैठ के इंटरव्यू कर रहे होते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होते हैं एंड डिफरेंट अदर टेक्निक्स और फॉर द इंटरव्यूंग पर्पज किसी भी इंटरव्यू को इफेक्टिव होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है डू और डोंट है क्या आप ये ये करना चाहिए आपको ये नहीं करना चाहिए लेट सी वट आर दोस्ट इफ यू वांट टू टेक इंटरव्यू इफ यू आर इंटरव्यूअर यू डू आस्क ओपन क्वेश्चन आई रिमेंबर वी हैव डिस्कस दिस ओपन एंड क्वेश्चन एंड क्लोज एंड क्वेश्चन क्या फर्क है इनमें वट इज ओपन एंड क्वेश्चन और वट आर द ओपन क्वेश्चन ओपन एंड क्वेश्चन आर दो क्वेश्चन वे आर यू आर गिविंग ए ऑप्शन टू द पर्सन दैट ही शी स्पीक मोर जैसे मैंने आपसे उस वक्त भी ये पूछा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि आज सुबह आपने नाश्ता किया था तो आपका क्या आंसर होगा यस और नो सो दैट इज क्लोज एंड क्लोज एंड क्वेश्चन अफकोर्स वैन यू आर डूइंग द सर्वे और वैन यू आर गोइंग फॉर द रिसर्च इट इज बेटर टू आस्क क्लोज एंड क्वेश्चन ताकि आपके पास एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में जवाब आते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं लेकिन इंटरव्यू का तो मकसद और है आप दूसरे को जज करना चाहते हैं दूसरे से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मोर ही अर विल स्पीक द बेटर सो है द ऑप्शन शुड बी आस्क द ओपन एंड क्वेश्चन व्हाट इज ओपन एंड क्वेश्चन आपसे यही सवाल अगर इस तरह पूछा जाए कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था क्या इस्तेमाल किया था नाउ यू कैन स्पीक मोर आप कह सकते हो जी मैंने ब्रेड ली थी फ्राई लिया था साथ चाय ली थी कॉफी ली थी एंड सो ऑन टू सी इफ यू आर आस्किंग द ओपन एंड क्वेश्चन यू आर गिविंग ऑप्शन टू अनदर पर्सन दैट ही अर शी विल स्पीक मोर बिकॉज दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ गोइंग फॉर इंटरव्यू सो फर्स्ट थिंग डू आस्क ओपन एंड क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन एंड मोस्टली आस्क द जॉब रिलेटेड क्वेश्चन अफकोर्स समाइम यू हैव टू यू वॉन्ट टू सी देर इंटेलिजेंस आर हाउ मच दे आर अवेयर ऑफ दी करंट अफेयर्स और कितना उनका इंटेलिजेंस लेवल है उनका ह्यूमन आस्पेक्ट कैसा है टीम मेम्बर कैसे हैं तो आप थोड़े बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है इस वक्त कौन सी टीम जीत रही है जस्ट टू सी के वेदर उसकी इमोशनल मेच्योरिटी कितनी है क्योंकि तो नया जो कॉन्सेप्ट आजकल आ रहा है वो ये है कि यू वॉन्ट टू आल्सो यू विल भी आल्सो इंटरेस्टेड टू सी द इोशनल मेचोरिटी ऑफर पर्सन इट इज़ नॉट ओनली द आई क्यू even the more important thing is the maturity. so mostly, of course, you should ask the job-related questions. and this is also your responsibility as an interviewer. they should open the interview. and how can you open the interview? and of course, this is, interview is a big phobia. even experienced people, when they are appearing for the interview, they are a bit nervous. अब आपका मकसद तो यह नहीं है कि उनको और नर्वस करके तो आप जो उनकी इच्छाई हैं वो भी ना देख सकें तो गुड अप्रोच फॉर द इंटरव्यूज़ कि यू शुड पुट देम एट द इज एंड हाउ कैन यू डू दैट यू हैव टू ओपन द इंटरव्यू वेलकम हिम और हर एंड द वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन पीपल स्टार्ट विद दे आर आस्किंग द पर्सन हु इज देयर फॉर इंटरव्यू ओके टेल एस अबाउट यू आपको इसी के लिए अपने बारे में बताना सबसे आसान काम होता है अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ओके टेल मी अबाउट यू व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू डूइंग तो डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन एंड सो एज यू स्टार्ट स्पीकिंग आता आस्ता आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा और फिर इट विल बी ईजी टू टॉक विद यू सो देट इज़ आल्स सो योर रिस्पांसिबिलिटी इफ़ यू आर टेकिंग द इंटरव्यू और यूर इंटरव्यू So you should open the interview, start with a nice word, so that the other person, the applicant, should feel comfortable. So what else? Do ask positive questions. Don't have the negative approach because you are interested to see the positive side of that person too. Ask positive questions, encourage him or her, so that a real person should appear in front of you. Also look for the area where applicant is uneasy. If you are asking him or her. कि ये जॉब जो आपने पीछे छोड़ी थी क्यों छोड़ी थी इफ यू थिंक ही और शी इज फीलिंग अनकंफर्टेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग समथिंग इज रॉन्ग देयर लॉजिकली उन एरियाज को भी देख लें फिर उसके आप, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आप पूछ सकते हैं तो सेम वे देर आर डोंट डोंट डू दैट उसी के अपोजिट डोंट आस्क ऑल क्लोज क्वेश्चन माइट बी आस्किंग वन टू बट डोंट आस्क बिकॉज यू हैव टू डू ऑल पास्ट ओपन क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन अनलेस इट हैज़ टू डू विद यूर हिज आर हर जॉब रिलेटेड थिंग्स एंड डोंट डू ऑल द टाकिंग अगर आप इंटरव्यू लेने वाले हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलने दें जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है आप ही सारी बातें खुद एक्सप्लेन ना करना शुरू कर दें इंटरव्यू आपका नहीं उसका हो रहा है डोंट डू ऑल द टाकिंग एंड डोंट बी इम्पेशन एक क्वेश्चन किया है तो थोड़ा सा उसको चांस दें बोलने दें यह भी एक अच्छे इंटरव्यू की इंटरव्यूर्स की खासियत होती है कि वो दूसरे को चांस देता है और ईज देता है क्योंकि अगेन रिमेंबर इंटरव्यू के लिए जब आता है कोई तो उसको कुछ ना कुछ फोबिया तो है एंड डोंट आस्क मोर देन वन क्वेश्चन एट ए टाइम बिल्कुल वो सवालों की जिसे कहते हैं ना बौछार नहीं कर देनी वन बाई वन क्वेश्चन पूछिए उनसे तो लेट्स सी के इफेक्टिव इंटरव्यू के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपको आपको मीन जिसने इंटरव्यू लेना है बी प्रिपेयर बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू जो इंटरव्यू लेने जा रहा है उसको भी तैयारी करके जानी चाहिए कि वो किस जॉब के लिए इंटरव्यू लेके जा रहा है लेने जा रहा है और किस तरह उसने क्वेश्चन बनाने हैं पूछने हैं वो ही हैज टू कंपेयर सो मैनी डिफरेंट कैंडिडेट्स सो बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू वन शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर विच दे हैव टू हायर ए पर्सन एंड दैट विल बी ऑल्सो योर जॉब

वॉज विथ यू पीपल फॉर इंटरव्यू और आपकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर यह बातें सब चलती है लोग बाहर जाते हैं बताते हैं कि क्या हुआ था कैसे लोगों ने उनसे डील किया था सो यू आर डूइंग द मार्केटिंग पार्ट टू एंड एज ए सडल यू हर टू इनकेज हिम आर हर टू टॉक बिकॉज दैट इज हाउ यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेमर हर दैट इज हाउ यू विल जज हेमर हर

किसने क्या क्वेश्चन पूछना है किस वक्त पूछना है ये सारी चीजें भी आपकी रिस्पांसिबिलिटी में आती हैं एक अच्छे इंटरव्यू के लिए कि आप उसको कंट्रोल भी खुद करें ये ना हो कि वो आपका इंटरव्यू लेना शुरू कर दे सम टाइम यस यू कैन आस्क हिम डू यू वांट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम आवर साइड बिकॉज ही माइट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द जॉब About the working environment. So do provide him or her necessary information. Just say clear And then at the end, you have to close the interview. And how can you do, do that? Of course, you have to thank him. Thank you for coming here. And you have to let him know that how he or she is going to know the results of the interview. आप उसको बता सकते हैं कि भाई आपको इनशाला लेटर मिल जाएगा घर में वॉट एवर डिस इनवर्स टेक या आप फोन करके चेक कर सकते हैं या वेब पे हमारे इसका रिजल्ट आ जाएगा वॉट एवर एंड थैंक हिम सो दैट इवन इफ वॉज ही वॉज नॉट सिलेक्टेड शी इज नॉट सिलेक्टेड ही विल टेक गुड मेमोरीज फ्रॉम योर इंटरव्यू एक्सरसाइज तो यहां पे बात खत्म तो नहीं होगी नहीं एक और काम आपने बड़ा जरूरी करना है वो है फाइनल स्टेप एंड दैट इज पुट एवरीथिंग राइट डाउन योर नोट्स क्योंकि आपने एक बंदे का इंटरव्यू तो नहीं किया हो सकता है दस बीस का पच्चीस का करना है तो इंसान की एक खास मेमोरी एक लेवल तक है तो क्या पता कि जब दस के बाद आप लोगों को कंपेयर करना शुरू कर दें तो आप भूल जाएंगे इससे क्या पूछा था इसकी क्या पॉजिटिव चीजें थी क्या नेगेटिव चीजें थी क्या ग्रेडिंग की थी किस किसान मार्क्स लगाए थे तो राइट डाउन नोट्स सो दैट वेन यू हैव टू गो फॉर द फाइनल सेलेक्शन उन सबको कंपेयर करना पड़े तो आपके पास कुछ तो रेफरेंस मटेरियल हो जिसके बेस पे आप बता सकें कि नो पर्सन ए इज़ सिलेक्टेड एंड बी इज नॉट सिलेक्टेड। तो ये फाइनल स्टेप्स में आता है कि आप अपनी जो ऑब्जर्वेशन है अपनी जो आपकी राय है उसको कहीं लिख लें अपने पास अपनी नोटबुक में अपने फोल्डर के पे सम टाइम आग्नाइशन यस दे आल्सो अदर मोस्ट ऑफ टाइम दे प्रोवाइड यू द शीट्स जहां पे बाकायदा खाने बने होते हैं कालम बने होते हैं कि हर चीज की आपने ग्रेडिंग करनी है मार्क्स लगाना तो वो जरूर कर लीजिए ताकि वो सारी एक्सरसाइज का फायदा भी हो सके सम अदर गाइडलाइंस इफ यू हैव different candidates for the same job and you have to compare make the comparative things that which one is better so it is suggested that you should mainly focus on the structured form of interview so that you can check them at the same parameter all those people of course it is not binding that you should not ask unstructured question or you cannot go for unstructured interview

रिमेंबर यू हैव टू फोकस ऑन ट्रेड्स दैट आर मोर एक्ूरेटली असेस्ड इन द इंटरव्यू नाउ वो जो ट्रेड्स जो ऑलरेडी चेक किए जा चुके हैं लाइक like उसकी एक्सपर्टीज जो है आपने उसको जॉब करा के देख लिया उसकी नॉलेज बेस है वो तो आपने उसके टेस्ट में भी देख लिया तो यहां तो अमूमन आपने देखना है उसका मोटिवेशन लेवल क्या है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है उसका बिहेवियर एस्पेक्ट क्या है उसका कॉन्फिडेंस कितना है एनी फिर इफ इट द जॉब इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ वेयर ही शी हैज टू टॉक विद द पीपल उसकी परस स्पीकिंग पावर कैसी है हाउ गुड ही इज टू परसू एट इफ ही आर शी इज टू गो इन मार्केटिंग जॉब सो ये चीजें भी आपने देखनी है जो जॉब से रिलेटेड है लाइक यू हैव टू फोकस ऑन ट्रेड डेटा मोर एक्यूरेटली Assess with in the interview, like motivation to work and personal relationship as a human. How good he or she is to become the team member, because nowadays organizational focus more and more on the team work. Individually, if he or she is excellent, but they are not good as a team member. दैट इज ए नेगेटिव आस्पेक्ट तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकता है तो ये भी चीज एक अच्छे इंटरव्यू के लिए कि आप देखें उसकी वो पर्सनैलिटी ट्रेड वो वो ट्रेड जो उसकी जॉब में उसको हेल्पफुल हो सकते हैं बार बार ये आ रहा है कि उसको बोलने दें गेट द इंटरव्यूज वी टू टाक बिकॉज द मोर ही अर्शी विल टाक द बेटर चांसेज इट विल बी फाइव एस एस एमरहर और इसमें लीगल आस्पेक्ट का भी ख्याल करना है कि हाउ जैसे मैंने आपसे कहा था कि डोन्ट आस्ट द पर्सन क्वेश्चन कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर प्राइवेसी जिसे कहते हैं कि सम इंफॉर्मेशन सम थिंग्स आर योर पर्सनल थिंग्स योर फैमिली योर लाइफ योर liking, disliking. But again, it depends. कई जगहों पे, कई countries के अंदर, कई laws laws के, के, के तहत, they are protected. के. You don't ask them these type of question. So, इन चीजों का भी ख्याल करना पड़ता है. But sometimes we do mistakes in interviews. So here I will discuss the common interviewing mistakes. जिस तरह ये शर्मिंदा है इंटरव्यू तो लेने वाले भी बाद में शर्मिंदा होते हैं कि ये क्या हो गया ओके इफ यू पिक द राम पर्सन अगेन दैट इज ए प्रॉब्लम प्रॉब्लम फॉर वॉट प्रॉब्लम फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन एंड इवन प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी तो शर्मिंदगी से बचने के लिए वो मिस्टेक कम से कम हो जाए तो इंटरव्यू अच्छा हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा होता है लेट्स सी ट आर दोज कॉमन मिस्टेक्स स्नैप जजमेंट जल्दी का डिसीजन वो जैसे कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है आई एम नॉट से बट जल्दी का किसी एक ट्रेड पे किसी एक वजह से किसी की एक बात आपको अच्छी लग गई उसका स्टाइल अच्छा लग गया उसकी पर्सनैलिटी का कुछ एक चीज देख के आपने जल्दी में डिसीजन कर लिया कि ये ठीक है पर्सन तो दैट माइट कास्ट यू फॉर्च्यून सो मेकिंग स्नैप जजमेंट क्विक डिसीजन यू माइट बी डूइंग मिस्टेक नेगेटिव एम्फेसिस कुछ लोगों की अप्रोच नेगेटिव होती है कि वो पॉजिटिव चीजों को भी भूल जाते हैं तो वो भी एक again you have to remember you are not making the judgment about the personality you are making the judgment about the match or fit so you should have all the all the time these things in your mind not knowing the job that is the common mistake we can see in even our our organization today आवर सोसाइटी कई दफा वो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं जिनको उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में कुछ इलम नहीं होता लेट्स इफ आई एम एन सिलेक्शन बोर्ड दो वि माई नेम इट इज ऑल्सो डॉक्टर मुख्तार अहमद बट वी आर देयर टू सिलेक्ट सम आर्थोपेडिक्स कुछ हार्ट के स्पेशलिस्ट को सिलेक्ट करना है अब मुझे क्या अंदाजा हो सकता है कि उससे मैंने क्या पूछना है ऑफकोर्स आई कैन जस्ट मैक्सिमम जज उसकी पर्सनैलिटी देख सकता हूँ उसका कॉन्फिडेंस देख सकता हूं तो मुझे तो उस जाप का पता ही नहीं है मुझे तो उस प्रोफेशन के बारे में इतना इलम ही नहीं है कि वहां पर जिस पर्सन को हम हायर करना चाहते हैं उसने क्या काम करना है तो दिस इज ए कामन मिस्टेक वी कैन सी इन अवर सोसाइटी स्पेशली इन अवर कंट्री के इरेलीवेंट लोग जिनका वो काम ही नहीं है जिनको पता ही नहीं है वो सिलेक्शन बोर्ड में बैठे हुए उनको सिलेक्ट कर रहे होते हैं सो so, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर गलती की गुंजाइश कितनी होती है कि नहीं होती वट अदर मिस्टेक्स कॉमन मिस्टेक्स वी कैन सी प्रेशर टू हायर नाउ वट काइड प्रेश प्रेशर तो यह हो सकता है कि आग्नाशन के पास के ऊपर प्रेशर है कि उसको जल्दी जल्दी लोग चाहिए क्योंकि दे हैव टू तो स्टार्ट देर वर्क तो उस जल्दी जल्दी में वही स्नैप जजमेंट और क्विक डिसी, जल्दी डिसीजन के बारे में गलती की गुजाइश है और फिर कभी कभी यह प्रेशर भी होता है कि जो अमूमा हमारी सोसाइटी के अंदर तो शायद है कि इसको रखना इसको नहीं रखना फेवरेटिज्म में शायद आता है प्रेशर कितना है और जैसे आपको याद होगा कि एडवर्टाइजिंग हम जब पढ़े थे कि रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं तो इसमें एक ब्लाइंड बॉक्स ऐड होती थी उस वक्त भी मैंने आपसे बताया था कि पीपल डोंट वांट टू बी डोंट वांट टू शो देयर आइडेंटिटी वाइल देयर एडवर्टाइजिंग फॉर द जॉब्स बिकॉज एक तो एक रीजन ये भी बताई थी कि उस पर फिर आप प्रेशर आ जाता है मुख्त साइडों से मुख्तफ स्टेक होल्डर मुख्तु आपके जो इन्फ्लेंशंग लोग हैं वो प्रेशराइज करते हैं कि नहीं नहीं ये जी मेरा जानने वाला है इसको रखना है एंड अगेन दिस इज ए मिस्टेक दिस इज ए डेंजरस फॉर इंस्टीट्यूशन इवन फॉर दैट पर्सन टू बिकॉज ही या शी विल बी अंडर यूटिलाइज तो वो प्रेसर टू हायर अगर ये भी है तो ये भी एक मिस्टेक है जो अमूम कामनली हम देखते हैं कैंडिडेट आर्डर एरर दिस इज आल्सो वेरी कॉमन काइंड ऑफ कॉमन मिस्टेक वी कैन सी इन आवर सिलेक्शन प्रोसेस और इंटरव्यू खासकर अगर आप जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो दो तीन लोग ऐसे आ गए विच आर जस्ट एवरेज पर्सन उनकी पर्सनालिटी उनकी अपेयरनेस उनकी प्रेजेंटेशन उनके स्किल देर एवरेज एंड सडनली

मीडियम लेवल का एवरेज पर्सन भी आ गया तो आप उसको इग्नोर कर देंगे कि यू हैव सो मैनी गुड प्लॉट्स ये तो फिर भी बेहतर है लेकिन अगर इट इज अदर वे अराउंड कि इफ वो जो जिस ऑर्डर में लोग आ रहे हैं तो चार पांच जिन्हें हम कहते हैं नैले लोग किस्म के जो जो क्वालिफाई नहीं करते इवन दे आर बिलो एवरेज तो अगर उन लोगों का इंटरव्यू लेते लेते अचानक थोड़ा सा एवरेज पर्सन भी आ गया, आ गया आपके पास तो आप तो डेफिनेटली उसको कंपेयर करेंगे पिछलों से यार ये तो बहुत अच्छा है उनसे बट ही शी माइट नॉट बी द बेस्ट बिकॉज आप तो उनको उस रेफरेंस से कंपेयर करें ना उन ऑर्डर के हिसाब से तो ये भी एक मिस्टेक होती है इंटरव्यू लेते हुए एंड सम टाइम नॉन वर्बल बिहेवियर कैन ऑल्सो इफेक्ट योर इंटरव्यू प्रोसेस वॉट इज नॉन वर्बल बिहेवियर कोई चीज आपको एनाई भी कर सकती है किसी का नॉन वर्बल बिहेवियर और कोई आपको उससे वो फेवर भी ले सकता है या ले सकती किस स्टाइल से वो बात कर रहे हैं खास चेस्टर जो उनके हैं और अमूमन ये चीजें भी इंटरव्यूज के डिसीजन पे इफेक्ट कर रही होती हैं एंड दिस इज आल्सो कॉमन मिस्टेक मूव फॉर समथिंग देर आर सदर सदर सर्टन अदर एक्टिव थिंग्स विच कैन ऑल्सो इफेक्ट यूर इंटरव्यूज वो आपके इंटरव्यूज को के लिए जो इंटरव्यू ले रहे हैं बाइस इंटरव्यू जैसे कहते हैं हम कि नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है वो क्या चीजें हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट दोनों तरफ से इंटरव्यू लेने वाले की तरफ से और इंटरव्यू देने वाले की तरफ से भी एक बाइस इफेक्ट क्रिएट कर सकता है लेट्स सी इफ यू आर टेकिंग द इंटरव्यू एंड यू वांट दैट पीपल शुड नो दैट यू आर अ वेरी टफ माचो मैन आप तो बड़ा सख्त इंटरव्यू लेते हैं तो आप अपना इंप्रेशन मैनेजमेंट तो समझते हैं ना क्या है इंप्रेशन मैनेजमेंट इज एक टेक्निक बेसिकली इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्टली जनरली भी हो सकता है वेयर पीपल वॉन्ट टू कंट्रोल द परसेप्शन ऑफ अदर पीपल र प्रसीविंग समिंग अबाउट यू दूसरे जो आपके बारे में सोचते हैं या प्रसिव करते हैं उसको मैनेज करने के लिए जो आप कुछ करते हैं दैट इज इंप्रेशन मैनेजमेंट आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में ये सोचें ये सोचें तो उसके लिए जो आप बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं दैट इज इंप्रेशन मैनेजमेंट अगर आप एक गलत इंप्रेशन या इस तरह का इंप्रेशन देना चाहते हैं कि पीपल थिंक य दिस इज वेरी टफ यू कैन जस्ट थ्रो पीपल आउट तो ये भी एक बाइसनेस होगी ना सिमिलरली इफ ए पर्सन हु इज देयर फॉर इंटरव्यू ही शी इज स्मार्ट इनफ और स्टाइल से अंग्रेजी बोलते हैं थोड़ी सी उनका माशा पर्सनैलिटी भी अच्छी है तो वो तो आपको इंप्रेस करके और यू पिक द रसन बाइसनेस आ गई तो ये इंप्रेशन मैनेजमेंट की वजह से भी थिंग्स एंड गो रॉन्ग इसी तरह इंटरव्यू लेने वाला अगर उसकी मेमोरी ठीक नहीं है इधर वे चंद सवाल जो उसने पूछे थे वो गलत उसने आंसर दिए और अचानक एक दो ठीक बोला तो वो समझेगा कि सब ठीक है या शुरू से वो अच्छा आ रहा है और अचानक एक नेगेटिव एक गलत उसने आंसर दिया तो इज नॉट ए गुड पर्सन तो ये भी एक बाइसनेस आ सकती है और अमूमन देखा गया है कि लोग पहले चंद मिनटों में ही दस्किन कर लेते हैं चल चंद इंटरव्यूज में डिस्किन कर कर लेते हैं शुरू में अच्छे लोग आ गए तो कहा बस ये ठीक है अगेन दिस इज अ सो वी हैव टू बी केयरफुल वेन आर डूइंग द इंटरव्यू और इंटरव्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए क्या चीजें और इफेक्ट करती हैं अगेन बायसनेस भी आ सकती है इस वजह से प्रायर नॉलेज आपको पहले से पता है उस जो कैंडिडेट अपीयर हो रहा है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स, तो दिस इज आल्सो गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर इंटरव्यू इफ यू हैव, यू नो व्हाट इज स्टीर व्हेन यू जज ए पर्सन बेस्ड ऑन फ्रॉम विच विच ग्रुप ही और शी बिलाट इज ए स्टीरियोटाइप अगर आपके आप स्टीरोपिक थिंकिंग आपकी तो आप उसमें भी आपके इंटरव्यू प्रोसेस में वो इन्फ्लुएंस करेगा ऑर्डर ऑफ इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट यस और जैसे मैंने आपसे कहा कि किस ऑर्डर से लोग आ रहे हैं सारे अच्छे अच्छे शुरू में आ गए या एवरेज लोग आते आते अचानक एक अच्छा है फिर बुरे आने शुरू हो गए तो दैट इज आल्सो गोइंग टू इफेक्ट योर इंटरव्यू एंड द वे इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर इंटरव्यू प्रोसेस आर इंटरव्यू डिसंस एंड रिम्बर दैट नेगेटिव थिंग्स ऑलवेज गेट हाई वेटेज इफ सम नेगेटिव थिंग्स प्रजेंटेड इन योर एट इन द इंटरव्यू कोई नेगेटिव आस्पेक्ट आपने देखा उसका एटीट्यूड उसकी पर्सनैलिटी में उसके बिहेवियर में तो वो देखा गया है कि वो चीज़ उस सारी चीज को सुपरसीड कर जाती है जो उसमें अच्छाइयाँ थी तो ये भी इफेक्ट करता है आपके इंटरव्यू को आई थिंक इनफ फॉर टूडे राइट

and if there are certain questions and it, there must be certain questions in your mind and do ask them send us mail write to us and we'll be more than happy to answer with that thank you very much assalamu alaikum